नमस्कार दोस्तों, अनिरुद्ध गोयत के साथ मैं आप सभी पशुपालक और किसान भाइयों का अपने YouTube चैनल किसान डेयरी फार्मिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो वीडियोज़ के माध्यम से हमेशा से मेरी यही कोशिश रही है कि आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से मूरा का शानदार से शानदार पशुधन हम आपको दिखाएं, ताकि हमारे युवाओं का रुझान इस पशुपालन डेयरी व्यवसाय में तेज़ी से बढ़े। तो यहाँ पर आज जो करमबीर सर हैं, जिनका जो गाँव बरौली है और डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर ये गांव आता है, हालांकि जो इन्होंने अपना डेयरी फार्म है वो जींद के अंदर ही स्थापित किया हुआ है। कई सालों से यहां पर दूध का जो इनका सेल परचेज का काम है, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा वो दूध और इन भैंसों से ले पा रहे हैं। तो इन ये जो तीन भैंसे हैं इन्होंने जो कि सेल के लिए अवेलेबल करवाई हैं, तो उसके बारे में मैं जो करमबीर सर हैं उनसे डिटेल से ज़रूर पूछना चाहूँगा। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो सर एक बार अपना जो गांव का एड्रेस है, जो अपना डेयरी फार्म आपका कौन सी कॉलोनी के अंदर है, तो वो बताएं। विजयनगर जींद। तो विजयनगर जींद के अंदर जो कि एंसर का डेयरी फार्म है, और सर ये जो आपके पास एक जोटी है, तो कौन से टाइम इसने बच्चे को जन्म दिया है? सेकंड टाइमर है। तो सेकंड टाइम इसने बच्चे को जन्म दिया है। तो यहाँ पर आप जो है इसका बच्चा वो आप देख सकते हैं। तो कितने दिन की ब्याई हो चुकी है सर ये? 25 दिन की। तो 25 दिन की जो कि सर ने बताया है इस ये बच्चे की हो चुकी है ब्याई। तो कितना दूध तैयार है सर इसके नीचे? इसके नीचे 18 किलो प्लस। तो 18 लीटर प्लस इसके नीचे फिलहाल दूध तैयार है। 18 किलो। ठीक ठीक। और नीचे क्या है सर इसके? कटिया। तो फीमेल काफ है इसके नीचे। और किस रेट पर सर आपको इसको हमारे जो बायर्स हैं तो उनको अवेलेबल करवा रहे हैं? 1,25। तो 1,25,000 रुपये जो कि सर ने इसका रेट बताया है। एक बात और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस टाइम जो कि मार्च और यह अप्रैल का जो महीना है, तो इस टाइम जो कि ब्यांत है वो बहुत ही कम पैसों की डिलीवरी हो पाती है। उसके बावजूद 10 से 15 हज़ार रुपये जो कि रेट जो ऑलरेडी महंगा होता है, तो जो पशुओं का जो रेट होता है वो क्वालिटी के हिसाब से लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो कि सर ने बताया है कि 18 लीटर से बाहर बाहर जो कि इसका दूध है, सेकंड टाइमर इसने बच्चे को जन्म दिया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो इन्होंने प्राइस बताया है वो काफ़ी मेरे हिसाब से ठीक है। तो सर हमें बताएं कि अगर आपके पास ये दो सेकंड टाइमर जो जोटी है इसकी कोई मिल्किंग करना चाहता है तो 3-4 टाइम मिल्किंग कर सकता है? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करें। तो जितना आपने ऐसा करवाने के लिए, तो जो कि काफ़ी अच्छी जानकारी सर ने बताया दी है कि वो खुद ही ये चाहते हैं कि भाई अगर कोई इस भैंस को ख़रीदना चाहता है या इनके पास पशु लेने के लिए आता है तो वो इन भैंसों की 3 या 4 टाइम मिल्किंग करके लेके जाएँ, ताकि बाद में इनके ऊपर कोई आरोप न लगा पाए। तो जो है वो यहीं पर डेयरी फार्म पर अपनी क्लियर करके लेके जाएं। उससे पहले मैं जो झोटी है उसको आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल मुर्रा की जो है 99% प्योरिटी है मुर्रा की। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर तो जो सिंगों की बनावट है वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में साफ साफ, तो बिल्कुल छोटे सिंग की है। चेहरा मोरा है वो काफ़ी शानदार है। तो जो अड्डर की क्वालिटी है वो आगे की तरफ भी है और पीछे के तरफ से मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। मीडियम जो हाइट और जो लेंथ है वो मीडियम ज़रूर है, लेकिन दूध की क्वालिटी है वो सर ने बताया है कि उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी। सेकंड टाइमर बॉडी वेट इतना नहीं है, तो उसके बावजूद जो कि शरीर है वो, और जो अड्डर की बात करें तो सर एक बार इसको चला के दिखाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अड्डर है वो बीच का है, पीछे की साइड इतना नहीं है, आगे की तरफ है जो इसका अड्डर है। ठीक है सर। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर देख सकते हैं मूरा की जो कि झोटी, यहाँ पर देख सकते हैं जो चेहरा मोरा है, जो गर्दन की लंबाई आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं, जो सींगों की बनावट है वो आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। उससे पहले हम बात करें जो अड्डर की क्वालिटी की, तो बिल्कुल टाइट अड्डर है और जो उभरी हुई नसें आप देख सकते हैं जो कि एक दुधारू पशु के अंदर पाई जाती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो सींगों की बनावट है वो आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। हाइट और जो आज की जो जितने भी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पशु दिखा रहे हैं उसमें हाइट और जो मीडियम ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद जो मिल्क कैपेसिटी है वो काफ़ी शानदार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी उभरी हुई नसें, जो थनों का गैप है वो काफ़ी शानदार है। तो सर इसके बारे में बताएं कि कौन से टाइम इसने बच्चे को जन्म दिया? तो फर्स्ट टाइम। तो चार दांत है, तो चार दांत है। अगर कोई भाई इसको लेना चाहता है तो वो इसके जो दांत है वो देख सकता है। तो एक बार सर दिखाएं। ठीक है ठीक है।
तो सर इसके बारे में बताएं कि कितने दिन हो गए बच्चे को जन्म दिए? 15 दिन की होगी। तो 15 दिन की ब्याई है। इसके नीचे क्या सर? 25 तंगड़ा। तो इसके नीचे मेल काफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 दिन का जो कि ब्याई का जो मेल काफ है और जो कि चुआई का है वो टाइम रहता है। तो सर हमें बताएं कि 15 दिन की ब्याई आपने बताया, फर्स्ट टाइमर है, 4 दांत है, कितना दूध तैयार सर इसके नीचे? 15 किलो हम निकालते हैं इसका बच्चे से अलग। तो बच्चे से अलग आप इसका 15 लीटर आप अपने घर पर निकालते हो? निकालते हैं। ठीक सर, तो किस रेट पर अवेलेबल करवा रहे हो सर? इसका 1:20। तो 1,20,000 रुपये जो कि फर्स्ट टाइमर और 4 दांत जोटी है, तो 2 या 4 टाइम आप आराम से मिल्किंग करके उसके बाद जो कि इसका सौदा तय करें। तो यहाँ पर जो कि करमबीर सर हैं इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो 15 लीटर सर ने बताया है कि बच्चे से अलग इसका निकालते हैं, तो एक और मुरा का पशुधन है उसको भी हम अपनी इस वीडियो में दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल शांत और सील स्वभाव जो इस बुफैलो का है वो आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। सींगों की बनावट है, डबल रिंग आकार में जो इसके सींग हैं और जो पेट पुट्ठा है वो काफ़ी शानदार है। तो जो थनों का गैप है वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले थनों का जो गैप है वो काफ़ी शानदार है। ठीक है सर, तो सर इसके बारे में बताएं कि कौन से टाइम बच्चे को जन्म दिया इसने? सेकंड टाइम की है। सेकंड टाइमर? हाँ जी। हाँ जी, तो कितने दिन की ब्याई हो चुकी है? 14 तारीख की नाइट की ब्याई हुई है। ठीक, तो यानी कि 12-13 दिन। तो 12-13 दिन की ब्याई हो चुकी है सर ये। हाँ जी, तो कितना दूध तैयार है सर इसके नीचे? प्लस है जी। तो 18 लीटर सेकंड टाइमर है जो कि जोटी है जिसने कटड़ी को जन्म दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कटड़ी है वो पूंछ में बाल आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो दूध कितना तैयार है सर इसके नीचे? 18 किलो। 18 लीटर प्लस। तो 18 लीटर से जो कि सर प्लस बता रहे हैं, तो इसको भी सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो जो इसका रेट है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा इनसे जो है पूछना चाहूँगा। तो उससे पहले जो हम इसको चला के दिखाएँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइट अड्डर की है। तो जो अगले और जो पिछले थनों का गैप है वो काफ़ी शानदार है। पूंछ में बाल हैं वो सिर्फ ना मात्र की है, पूठा है, पूठा बिल्कुल चौड़े पूठे की है। तो यहाँ पर जो सिंगों की बनावट वो काफ़ी शानदार, हाइट और जो लेंथ है वो मीडियम ज़रूर है। लेकिन मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा, आज 3 पशु हमने इनकी वीडियो में दिखाई हैं, तो जो सर ने बताया है कि उस हिसाब से देखा जाए तो जो मिल्क कैपेसिटी है वो काफ़ी शानदार है। यहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर कोई सीरियस बायर्स इन भैंसों को ख़रीदना चाहता है तो यहाँ तक कि हमारे ऊपर भी विश्वास न करें, डायरेक्ट इनकी डेयरी फार्म पर आके और 3 या 4 टाइम की मिल्किंग करके उसके बावजूद आप इस पशुधन का जो कि सौदा करें। तो सर एक बार कॉन्टैक्ट नंबर दें। 90532 47989। तो ये करमबीर सर का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इनसे जो सीरियस बायर हैं वो बातें कर सकता है और इन भैंसों के बारे में अधिक जानकारी ले सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सर इसका जो रेट है वो और बताएं हमें। 1,38,000। तो 1,38,000 रुपये में जो कि सर ने बताया है। तो सर 18 लीटर आपने दूध बताया, इसके नीचे कुछ बढ़ने की है? अभी तो काफ़ी बढ़ना है, मेले से चली नहीं है। 12 दिन की हुई, अभी तो कच्चा मेला भी डाला पूरा। तो 12 या 14 दिन की जो कि सर बता रहे हैं मेले से चली नहीं है, तो जो फिलहाल जो 18 लीटर दूध है उस हिसाब से ही आप इस पशुधन को देखें, बढ़ने न बढ़ने के बारे में न सोचें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।